हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ डोरमेट, जिसे बनाने के लिए मैं दो कलर की साड़ियाँ ली हुई हैं। इसमें आप चुन्नी या मैक्रम या फिर बूल से बना सकते हैं। और देखिए, इस डोरमेट को बनाने के लिए 3 के मल्टीपल से फंदे लिए हैं मैंने। 30 फंदे यहाँ पे मैंने लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें फंदे रख लीजिए। और देखिए, फर्स्ट रो यहाँ से हम ऐसे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखिए, 6 फंदे। पहली बार में 6 फंदे ले रही हूँ, लास्ट में भी 6 फंदे रखूंगी और उसके बाद में 3-3 फंदे लूंगी। तो देखिए, यहीं से हम सिलाई पलट लेंगे। 6 फंदे लेने के बाद इधर से हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। ये देखिए, यहाँ पे 2 रो हो गई। तीसरी रो सीधी, ये देखिए, ये ऐसे आएगा। चौथी रो उल्टी, ये देखिए, यहाँ पे ये 4 रो मैंने बना ली हैं। अब देखिए, मैं 6 और बनाऊंगी, यहाँ पे टोटल 10 रो बनाऊंगी। तो मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 10 रो मैंने बना ली हैं। और देखिए, इस तरह से यहाँ से काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ऐसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ उल्टे तरफ से ये रो गिन के। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए, 10 रो यहाँ पे हो गई है हमारी। अब देखिए, धागा हमारा ये है यहाँ पे। यहाँ से हम 3 फंदे लेंगे ऐसे, 1, 2, 3। ये देखिए, 3 फंदे लेने के बाद हम सिलाई पलट लेंगे। अब देखिए, 3 फंदे ये और 3 हम इसमें से लेंगे जो हमने 6 बुने हैं। तो यहाँ से हम ये देखिए, 2, 3, देखिए 3 हमने इधर वाले में से ले लिए और 3 इसमें से ले लेंगे 6 वाले में से, 1, 2, 3। ये देखिए, अब सिलाई को यहीं से पलट लेंगे और देखिए इधर से सीधा बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से यहीं से फिर से पलट लेंगे वापस। अब देखिए, इसमें से मैंने 3 फंदे लिए हैं, 3 को ही मैं ये छोड़ दिया है इधर। अब इधर से भी हम 10 रो बनाएंगे इसके भी। तो हम बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने 10 रो बना ली हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 रो बनाने के बाद अब देखिए, यहाँ से हम फिर से 3 फंदे लेंगे ऐसे, 1, 2, 3। 3 फंदे मैंने इधर से ले लिए, सिलाई पलट ली और देखिए यहाँ से 1, 2, 3। अब 3 इसमें से लिए और 3 इसमें से ले लेंगे जो मैंने 6 बुने हैं ऐसे। ये देखिए, 1, 2, 3। आप देखिए, इसी तरीके से 10 रो में इसके भी बनाऊंगी और ऐसे ही 3-3 फंदे इधर से और 3 इस साइड से इसको मैं कंप्लीट करूंगी लास्ट के 6 फंदे तक, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने लास्ट यहाँ पे 3 फंदों तक बना लिया है। अब देखिए, 3 मैं इसमें से लूंगी, 3 ये, तो 6 फंदे लास्ट में एक साथ रहेंगे। ये देखिए, 1, 2, 3। 3 मैंने ये ले लिए और 3 इसमें से ले लूंगी, उसके बाद मैं 10 रो बनाऊंगी। ये
दूसरी रो यहां से उल्टी, ये देखिए छह, ये देखिए यहाँ पे छह फंदे, जैसे मैंने इधर छह लिए थे इस साइड स्टार्टिंग में, वैसे ही यहाँ पे छह रह जाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं 10 रो ऐसे ही बनाऊंगी उल्टी और सीधी। तो मैं यहाँ पे 10 पूरी कर लेती हूँ, फिर मैं आगे का बताती हूँ। ये देखिए लास्ट में भी मैंने यहाँ पे 10 रो बना ली हैं। अब देखिए इस तरह से ये पूरी डिजाइन बन के कम्प्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से पलट लेंगे और देखिए यहाँ से ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखिए 6 फंदे जो लास्ट में हैं उनको मैंने उल्टा बनाया। अब देखिए ये वाले फंदे हैं, इनको भी मैं पूरी रो उल्टा बनाऊंगी ऐसे, और यहाँ पे 2 रो कंप्लीट करूंगी, एक इधर से और एक उधर से ऐसे। ये देखिए सभी फंदे ऐसे ही बना लूंगी लास्ट तक। ये देखिए, तो मैं बना लेती हूँ। अब देखिए इधर से हम इसे सीधा बुन लेंगे, लास्ट तक मैंने बना लिए। अब इस रो को हम ऐसे सीधा बना लेंगे लास्ट तक, तो यहाँ पे सेंटर में 2 रो आ जाएंगी। ये देखिए, तो इसको भी मैं बुन के कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए 1 रो मैंने यहाँ से बना ली, तो यहाँ पे 1 उल्टी और 1 सीधी, यहाँ पे 2 रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए पलट लेंगे और देखिए पहले मैंने डिजाइन को यहाँ से स्टार्ट किया था इस साइड से, अब मैं इस साइड से स्टार्ट करूंगी तभी आपकी सही आ पाएगी। तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे लिए और यहीं से पलट लिया इसको। अब देखिए इधर से भी ऐसे बुनेंगे इसको, 2 रो ये हो गई अब उल्टी रो पूरा उल्टा बुनेंगे। आप देखिए यहां से मैं इधर से उल्टा इधर से सीधा, यहाँ पे भी 10 रो बना लेती हूँ, 3 मैंने बना ली है, 7 और बना ली। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे भी मैंने 6 फंदों की 10 रो बना ली। अब देखिए यहाँ से हम 3 फंदे आगे से ले लेंगे, ये देखिए 1, 2, 3, 3 ले लिए, यहीं से सिलाई पलट ली। अब देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 3 ये, और देखिए 3 इसमें से जो 6 फंदे मैंने बुने हैं, 1, 2, 3 ऐसे, और 3 फंदे ये छोड़ दिए। अब हम यहीं से फिर से पलट लेंगे और देखिए 10 रो इसकी भी बनाएंगे। आप देखिए यहाँ पे इसी तरीके से मैं 3-3 फंदे इधर से लेते हुए, ये 10 रो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 3 फंदे फिर ले लूंगी और 3 इधर से, तो मैं यहाँ तक लास्ट 3 फंदों तक बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट 3 फंदों तक मैंने इसको बना लिया, इस साइड भी ऐसे बना के आई हूँ मैं। आप देखिए यहाँ से हम इन फंदों को भी ले लेंगे ऐसे, 1, 2, 3। अब देखिए यहाँ से पलट लिया और देखिए 2, 3, 3 फंदे ये और 3 इधर से, ये देखिए यहाँ पे ये 6 फंदे लास्ट में होंगे हमारे पास, जिनकी हम 10 रो बनाएंगे एक साथ। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही 10 रो बना लेती हूँ उल्टी और सीधी, उधर से सीधी इधर से उल्टी, ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए इस तरह से एक डिजाइन बन के कम्प्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ से हम सेकंड कलर लगाएंगे, तो सभी फंदे हम इससे बुनेंगे और यहाँ पे 2 रो बनाऊंगी मैं, एक इधर से सीधी उधर से उल्टी,
फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी डिजाइन। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने दो रो पूरी कर ली। अब देखिए मैं यहाँ से फर्स्ट रो को रिपीट करूंगी। 6 फंदे पहले 10 सलाइयां बुनूंगी, उसके बाद 3 फंदे इधर से और 3 फंदे इधर से। तो ऐसे ही बनाते हुए यहाँ तक जाऊंगी। जब ये एक डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर मैं दो रो इसकी बनाऊंगी सेंटर में, जैसे मैंने ये वाली बनाई थी, फिर इधर से स्टार्ट कर दूंगी। तो इस तरह से ये बनता जाएगा। आगे आपको जितना मर्जी लंबा या फिर चौड़ा जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। तो हम बना लेते हैं फिर दिखा रहेगा। ये देखिए इस तरह से मैंने ये डिजाइन भी बना के कंप्लीट कर ली। और देखिए आप चाहें तो और भी बना सकते हैं इसमें। अब देखिए जब आप एंड करेंगे इसका, तो यहाँ से देखिए ये डिजाइन खत्म होती है। एक रो हम सीधा बुनेंगे इधर से ऐसे, इस तरह से सभी फंदे हम सीधे बुन लेंगे इसमें। ये देखिए ये देखिए अलग अलग हैं, तो इसको ऐसे बुन लेंगे तो ये ज्वाइंट हो जाएंगे। तो हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए लास्ट तक मैंने बुन लिया। अब हम पलट लेंगे और यहां से सभी फंदे बंद कर देंगे ऐसे, दो का एक करते हुए इस तरीके से। इसको वापस ये देखिए इस फंदे को ऐसे करते हुए सभी फंदे बंद कर देंगे।